नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुतलाई न्यूज नेटवर्क। सिकटा प्रखंड के सरगटिया पंचायत के बरबड़ विकास से परेशान है आवाम, जीने के लिए विवश और मरने के लिए मजबूर। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट किशन कुशवाहा के साथ। जनता क्या विकास लेकर वोट करेगी, वो सभी सवालों का जवाब हम यहाँ के निवासी जनता से लेंगे। और ऐसे में है हमारे साथ एक ग्रामीण, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? तुलसी राम हमारा नाम है। हमारे साथ है तुलसी राम जी, हम इनसे बात करेंगे कि पिछले कैसे विकास रहा इस पंचायत में और आगामी जो चुनाव है इसमें क्या विकास होगा। किसी न किसी लोग हमने के 20 साल में ये रोड लौकता, बाकी ना हमने के सिफ्टी आई ना 6000 रुपया मिला था दहाड़ के, ना वो आई ना 17 माइल अनाप्रवाइल बमनी सुन कर। आप लोगों के तरफ बाढ़ आता है? बाढ़ तो ये नदी वासी किराना जो लगाई बा जी, आ बाढ़ में रात दिन रहता नहीं सब जी, आया तो कोई खोज नहीं कहीं सिकराना बा जी। ये ना गांव में कोई सरपंच ना मुखिया जीत के चल जाता सब कोई 20 साल से, लेकिन आज तक ना पूछ लो गरीब क्या के जो तुम्हारा सिफ्टी बनल बा कि ना, तुम्हारा जल नल का पानी मिलता कि ना, कोई आज तक ना पूछलक कि इंदिरा आवास मिलत कि नहीं क्या मिलत, तो राशन मिलता कि नहीं का मिलत, कितना काम ना हाल में जिया था गरीब, कोई कुछ नहीं यार नहीं है। नल जल नहीं लगा है यहाँ, कुछ नहीं क्या लगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना में से एक है नल जल योजना। हर गरीब के घर स्वच्छ जल हो जिससे उन लोगों को बीमारियों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी सोच कर 7 निश्चय योजना बनाई और उसमें से एक योजना रहा नल जल योजना, जिससे लोगों को साफ जल उनके घर तक पहुंचे। लेकिन हमारे साथ जो ग्रामीण है इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर नल जल लगा ही नहीं, पानी तो दूर की बात है। सच बात है ये? हाँ, तो नल जल देखी 19 में चालू बा, 17 में चालू बा, 18 में नल जल मिलल बा, ना सिफ्टी मिलल बा, ना इंदिरा आवास मिलता जी। इनका कहना है कि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, ये महिला है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादी आइए इधर बोलिए, क्या कहेंगे, क्या बोल रही थी? मतलब हमें के नाले में कॉल जा कैमरा में देख कर। हे बोलिए, समय बैठो तो बोलिए बोलिए। मतलब हमें के वोट देम सर, जीता देम सर, हमें के नाली निकल जाके चाहिए। हमने के बहुत दस्ता बा पानी अपना सड़क पर लोग बोहे नहीं के दी सब। अभी जो हमारे साथ बुजुर्ग महिला है इनका कहना है कि हम वोट करेंगे, नदी में आम निकल 11 कैंडिडेट है, किसी ना किसी को तो देंगे ही, लेकिन उसी को देंगे जो नाली का यहाँ पर व्यवस्था सुलभ करवा देगा उनको देंगे। अभी चुनाव है, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए आपको? सर कैंडिडेट तो बहुत तरफ देखते रहिए, कैंडिडेट तो बहुत बढ़िया आई लो, जीत जीत के जगह चोर लगा जगह लुका लुका गई लो, लेकिन आज तो गरीब के भलाई में कोई ना बोल ना कोई ना देख, गरीब जितना जियता उतना जियता। अब वोट के इलेक्शन का टाइम आई बा तो अब माई दादा सब कोई कहता है हमारा का दिया वोट, हमारा का दिया। अब जौन लोग मांगता वोट बा वो अगर पहले पूछले रही जो तारा मिलता है दहाड़ का पैसा मिलता सब, बाकी है ना चौथी धोबी पट्टी से चौर पट्टी ले ना जौन लोन लागल आना पैसा मिलता, ये होका जाता है सब गरीब सन के। प्रधान तो वो ऐसा होना चाहिए जो लाठी से पीट करके काम कराए। 11 कैंडिडेट है आपके पंचायत से, किसी ना किसी को तो वोट करना ही होगा। वोट तो देंगे, जो जीतेगा तो बूथ पर पता लग ही जाता है जो कौन लिखड़ रहा है कौन नहीं लिखड़ रहा है। हमारे साथ जो ग्रामीण है उनका कहना है कि वैसा प्रधान होना चाहिए जो हमारे यहाँ शौचालय नहीं लगा है, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अभी बगल में नदी है सिगरा, बूढ़ी गंडक नदी, सिगरायना नदी कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, कितने लोगों को सामना करना पड़ता होगा गलती के। आप देख सकते हैं इधर सड़कें हैं, टूटी सड़कें हैं, यहाँ पर पानी से लबालब भर जाता है अगस्त सितंबर के महीना में। और हम आपको लेकर चल रहे हैं, इधर नदी है वहाँ पे। और ऐसे में बिराइट गांव जो है सिगरायना नदी अर्थात बूढ़ी गंडक के गोद में बसा है। हमारे कैमरामैन जो है आपको दिखाएंगे कि कितनी कटाव करते करते या कितने ऊपर तक चली गई है, कितनी बस्तियां इस नदी में बह गई है और अभी तक यहां पर ठोकर नहीं बना है।
ना ही बांध का अच्छा व्यवस्था है, दोनों सुरक्षा नहीं खाता, ना ही बैग दिख रहा है कहीं। कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जो भी कैंडिडेट है जीत कर चले जाते हैं, जो भी कैंडिडेट है जीत कर चले जाते हैं और फिर जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। जनता भी शायद इस उम्मीद में उस कैंडिडेट को जिताती है कि चलो इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ रहता तो लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। 2017 में हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि जो गंडक के गोद में बसा है ये गांव, आप घर भी देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहां पे जो घर बना है, इसके आठ पर तक बेसिक कहते हैं, इसके आधार पर बना है। और अभी तक सरकार जो हमारे साथ लोगों का कहना है कि इन लोगों के साथ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वच्छ देश, स्वच्छ गांव, स्वच्छ भारत।